स्नेहितरे, कांग्रेस की दशकों से आदत, पहले झूठा कमिटमेंट करो और जब लोग चिल्लाएं कि तुमने कमिटमेंट किया था तो क्या जवाब देते हैं, अरे हमने कमिटी बना दी है, कमिटी का नाम दे करके भाग जाते हैं। कर्नाटका में ये लोग बहुत सारी झूठी गारंटियां बांट रहे हैं, लेकिन उनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, इनकी गारंटियां कितनी झूठी होती है, लोगों की आंख में कैसे धूल झोंकते हैं और किस प्रकार से बेईमानी की हद कर देते हैं। खुद इनकी राज्य सरकारें इनका पोल खोल रही है। अभी अभी कांग्रेस झूठी गारंटी देकर के हिमाचल में सरकार में आई, ऐसी गारंटियां दी जो यहां दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि वो पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट के बाद जब पत्रकारों ने कांग्रेस को पूछा कि भाई तुम्हारी गारंटी का क्या हुआ, तो क्या जवाब दिया, कमिटी बनाई है, कमिटी बताएगी। क्या ये गारंटी हुई? क्या ये गारंटी हुई? क्या ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? यानी चुनाव से पहले गारंटी बांटना, झूठा कमिटमेंट करना और चुनाव के बाद कमिटी का झुंझुना। हिमाचल में कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में वो महिलाओं को 1500 रुपये, 1500 रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे, ये उन्होंने गारंटी दी थी। और आप जानकर के चौंक जाएंगे कि जब पत्रकारों ने उनको पूछा, असेंबली में विपक्ष ने पूछा, भाजपा ने जवाब मांगा, तो क्या जवाब दिया, 1500 रुपया नहीं, जवाब ये मिला कमिटी बनाई है, कमिटी का रिपोर्ट आएगा। यानी चुनाव से पहले झूठा कमिटमेंट, चुनाव के बाद कमेटी का झुंझुना। स्नेहितरे, हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस ने, मैं ये हिमाचल का उदाहरण इसलिए देता हूं कि अभी थोड़े समय पहले उनकी सरकार बनी है, कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगी, ये फैशन हो गई है। यहां भी गारंटी बांट रहे हैं ना, वहां भी ऐसा ही झूठ बोला था। और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने 1 अप्रैल को हिमाचल के लोगों को बिजली का झटका दे दिया। हिमाचल सरकार ने बिजली के दाम मुफ्त छोड़ो बढ़ा दिए। चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा और चुनाव के बाद बिजली के दाम बढ़ा देना, क्या ऐसी कांग्रेस पर कोई भरोसा करेगा? दोनों हाथ ऊपर करके ताकत से बताओ, कोई भरोसा करेगा? ऐसी कांग्रेस पर कोई विश्वास कर सकता है? अब वहां के गरीब और मिडिल क्लास कांग्रेस से नाराज है, कांग्रेस यहां भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाली है, इसलिए कर्नाटका को भी सतर्क रहना है।